फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों तो यहाँ पे बिहार में एक अच्छी रिक्वायरमेंट आई है, यहाँ पे नालंदा समरालय बिहार शरीफ के तरफ से। तो बिहार शरीफ के तरफ से ये वैकेंसी आई है जिला बाल संरक्षण इकाई के तरफ से। तो ये वैकेंसी काफ़ी पदों पर हैं, यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंस पोस्ट हैं यहाँ पे। तो सभी पोस्टों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे ऑफिस इन द चार्ज, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के लिए है, यहाँ पे एक पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे ये पोस्ट ग्रेजुएट और सोशल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। दो में मांगा गया, यहाँ पे नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस विथ द गुड ओरल यहाँ पे दिया गया, और एक्सपीरियंस 3 ईयर मांगा गया है। तो ये सब एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं, आप यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। हाउस मदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, पारा मेडिकल स्टाफ के लिए, स्टोर कीपर के लिए, यहाँ पे स्टोर कीपर में सिर्फ बीकॉम, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं हम लोग 1 से 3 तक के लिए, या ये 3 पोस्टों के लिए, 7, 8, 9, ये 3 पोस्टों के लिए, 7, 8, 9 के लिए। तो यहाँ पे कुक 1, यहाँ पे हेल्पर के लिए 1, यहाँ पे इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आपका सैलरी यहाँ पे कुक के लिए 9,930 रुपया और 7,944 रुपया रखा जाएगा। यहाँ पे 7,944 रुपये आपको दे होगा, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले कि ये एक एक पोस्ट पर है, आप इसमें सिर्फ इन्होंने मांगा है लिटरेसी होना चाहिए, बस आप इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ए पर्सन विद द फंक्शनल लिटरेसी, सभी में यहाँ पे तीनों में एक ही क्वालिफिकेशन है, तो आपको बस पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि आपको अप्लाई करना है कैसे है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इस 1 और 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले इच्छुक एवं योग्यता उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक योग्य प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हेतु आवासीय प्रमाण पत्र और आरक्षण के लाभ हेतु किस स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति दिनांक 10/6/5 बजे तक, बाल्स 5 बजे तक, ईमेल यानी कि मेल के माध्यम से, ईमेल जो यहाँ पे दिया गया है, ईमेल के माध्यम पर अथवा निबंध डाक के द्वारा आप इसे वहाँ पे भेज सकते हैं। तो आपको एड्रेस यहाँ पे ये दिया गया, आपको इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है। अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं करते हैं तो आपको इस पे मेल करना है। आप मेल भी कर दोगे तो भी आपका फॉर्म हो जाएगा। आवेदन दिनांक 10/6/2023 के अपराह्न 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, वहाँ हो जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो या तो आप स्पीड पोस्ट से भेज दो, या तो आप स्पीड पोस्ट से सेंड कर दो, दूसरा आप जीमेल के थ्रू। अब जीमेल के थ्रू कैसे भरना है, तो आपका जो पहले बायोडाटा या रिज्यूम आपको लेना है, ये आपका रिज्यूम, नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये आपका होगा। इसके साथ, इस रिज्यूम के साथ आपको फाइल अटैच करना है, जैसे 10th का, मैट्रिक का, 10th, 12th, अपने जितने भी क्वालिफिकेशन है, कास्ट, इनकम, ये सभी, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, सभी को आपको इस पे सिग्नेचर यानी सेल्फ अटेस्टेड करके और इसका स्कैन करके आपको इस रिज्यूम के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको मेल करना है। आप मेल कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मेल डायरेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्पीड पोस्ट कराने जाओगे तो 40 रुपये 50 रुपये लग ही जाएंगे, लेकिन मेल करोगे तो यहाँ पे फ्री हो जाएगा। तो मेल एक अच्छा है कि तुरंत डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा, सबसे पहले मेल। तो मेल करने के लिए मैंने आपको बता दिया, एक बार और मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप रिज्यूम लोगे और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट देना है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर मांगा गया है या देना है, आप जो भी लगाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, उस सभी पर सेल्फ अटेस्टेड, उसके बाद इसके साथ आपको अटैच करना है स्कैन करके, उसके बाद आपको मेल ओपन करके सेंड कर देना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये फॉर्म आपके भरने लायक नहीं तो अगले को शेयर कर दें, क्या है कि बेरोज़गारी काफ़ी है, सभी के लिए जॉब की ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक दूसरे की मदद करेंगे तो कुछ हो सकता है, हेल्प ईच अदर। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक तो ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो से जुड़े रहें, धन्यवाद।